इम्यूनोग्लोबिन तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक अलिन साइलेंट हो जाता है दूसरा एक्सप्रेस कर रहा है दूसरा साइलेंट एंड बेसिकली ये रोल देखा गया डेवलपमेंट ऑफ बी इम्फोसाइड में ठीक है नेक्स्ट वन इज एलोप्लॉयडी अब प्लॉयडी क्या होता है जब डिस्टिंग जीनोम्स होते हैं ऑटोप्लॉयडी होता है एलोप्लॉयडी होता है ये ब्रीडिंग में भी हमने बात की है यूप्लॉयडी क्या होता है अनोप्लॉयडी क्या होता है तो एलोप्लॉयडी में क्या होता है दो या दो से ज्यादा डिस्टिंग जीनोम्स है अलग अलग है ठीक है मान लो टू एक्स वन है तो नेक्स्ट वाला टू एक्स टू है दैट्स वाई यूजली प्रोड्यूस्ड बाई क्रोमोजोम डबलिंग बाय ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड एफ वन एस जब बनाते हैं तो नेक्स्ट वन इज एलो स्टेरिक इफेक्ट The interaction of a a small molecule with a protein molecule at one site modifies the activity of another site of the same protein molecules. तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम लोग किसी एक पार्ट में कोई चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट में चेंज हो जाता है ये जनरली हम लोग इसको ये वाला इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं जब हम लोग मॉलिक्यूल और प्रोटीन का इंट्रैक्शन देखते हैं तो क्या होता है हम लोग को पता है कि की लॉक इन की वाला इफेक्ट पता है ना तो अगर मान लो कोई एक चीज़ आके वहाँ पे अटैच कर जाए तो वो कॉन्फिग्रेशन चेंज कर देता है दैट्स वाई दूसरा प्रोटीन वहाँ पे आकर अटैच नहीं हो पाता है। तो ये उसी टाइप के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करा उसी टाइप के इफेक्ट को क्या बोलते हैं एलोस्टेरिक की एक मॉलिक्यूल के किसी एक पोजिशन में कुछ चेंज हो रहा है तो वो दूसरे जगह का भी पोजीशन या दूसरे जगह के भी एरियाज़ में इफेक्ट करा रहा है चेंजेस करा रहा है जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है उसके जगह कुछ और ही रिजल्ट हो रहा है नेक्स्ट वन एंड लास्ट फॉर द डे इज एलोटेट्राप्लॉयड जैसे हम बताया एलोप्लॉयडी क्या होता है अलग अलग जीनोम से एक साथ आ जाना तो एलोटेट्राप्लॉयड मतलब चार डिफरेंट एंड एलोटेट्राप्लॉयड हैविंग फोर जीनोम्स यूजली टू कॉपीज ईच ऑफ टू जीनोम्स मे बी फोर डिस्टिंग जीनोम्स चार डिस्टिंग जीनोम्स भी हो सकते हैं दैट इज नोन एज एलोटेट्राप्लॉयडर एलोट्राइप्लॉयड वगैरह भी होता है So that's it for today if you like the video please hit the like button share it and don't forget to subscribe to my channel i'll again come up till that take care bye bye